फ्रेंड नमस्कार, मैं डीवीआर आपका इस यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कल हमको निफ्टी में कैसे काम करना है, क्योंकि आज निफ्टी ने हमें कोई काम करने का चांस दिया ही नहीं है। कई बार कोशिश करी कि अब भाई चलो एक बार पुट लेके देखें, लेकिन मतलब एकदम प्रीमियम डिके मार्केट थी आज, कुछ भी नथिंग नो, एक ही एरिया में वह मार्केट चलती रही। और जिन लोगों ने यहाँ आज अगर कोई ट्रेड करी होगी तो पैसा गंवाया होगा। तो मैंने उसे समझा कि आज कोई ट्रेड करें ही ना तो अच्छा है, तो आज हमने कोई ट्रेड नहीं की। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कल कैसे काम करेंगे। तो देखिए, यहाँ एसजीएक्स निफ्टी को देख के क्या लग रहा है कि मार्केट कल 17,500 पर ओपन होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मार्केट यहाँ 17,500 पर फ्लैट ओपन होती है, 17,500 पर, और वो 17,500 को क्रॉस करती है और स्टेबल रहती है 15 मिनट, तो फ्रेंड्स ये 17,600 तक मार्केट कल जा सकती है। 100 अंक की ही इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये 17,600 को पार कर पाएगी, क्योंकि 107,000 हैं और फिर इसके बाद में 17,700 पे 120,000 हैं। तो ये दो ही जबरदस्त यहाँ पर रेजिस्टेंस हैं। 17,600 को ही पार कर जाएगी तो 17,700 पर मार्केट को रुकना पड़ेगा डेफिनेट। तो दो लेवल ये हमारी ऊपर के लिए हैं। नीचे के लेवल में 17,400 तक की ही कल्पना कर सकता हूँ मार्केट को नीचे जाने की। और फ्रेंड्स, यहाँ से अगर नीचे मार्केट जाती है 17,400 से, तो फिर 17,300 तक भी मार्केट जा सकती है, 17,300 तक। तो ऊपर की लेवल मैंने बताई आपको 17,600 और 700, नीचे की बताई 17,400 और 300। इससे ऊपर नीचे मार्केट कल नहीं जाने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। और देखिए, मार्केट फिर अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट की कोई भी बाउंडेशन, कोई भी बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर मार्केट किसी के कहने से नहीं चलती, अनुमानों से चलती है, ऑप्शन चेन के डाटा को देख के चलती है। ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है, देखिए ग्लोबल मार्केट जो फ्यूचर यहाँ पर 450 अंक ऊपर है और नैसडेक भी ऊपर है, तो और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्रूड ऑयल के दाम भी गिर रहे हैं और करेंसी में अभी जो डॉलर है वो अपनी पहचान बनाए हुआ है 82.3006 पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर और कुछ ज़्यादा डिस्कस हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है 500 पे, तो वो 600-700 तक जा सकती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट अगर गैप फ्लैट ओपन होने के बाद और यहाँ से इसने इसको मतलब क्रॉस किया 17,435 को नीचे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एरिया कल ये मार्केट भर सकती है 17,300 का, ये गैप जो हुआ है वो कल फिल कर सकती है मार्केट। और मुझे नहीं लगता कि कल फिल होगा, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो मुझे लगेगा कि ये जो गैप है वो थर्सडे या फ्राइडे में वो पूरा करेगी, अगर नीचे मार्केट आती है तो। अदरवाइज मार्केट का मूड दिवाली तक अब नीचे आने का नहीं है, वो दिवाली तक मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट अब साइकोलॉजी पे काम कर रही है, ना कि चार्ट पे या किसी डाटा के ऊपर मार्केट काम नहीं कर रही, केवल एक साइकोलॉजी पे काम कर रही है। और क्वार्टर के जो रिजल्ट चल रहे हैं, हमारे क्वार्टरली रिजल्ट, उनके बहस पर मार्केट ये ऊपर जा रही है। अदरवाइज मार्केट में ऐसी कोई गुड न्यूज़ नहीं आई है कि साहब युद्ध बंद हो गया हो या फिर और कुछ ऐसा कि यहाँ पर डॉलर का रेट गिर गया हो या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि मार्केट को बहाना मिले ऊपर जाने का। ये केवल यहाँ पर ये कुछ लोगों को कैप्चर कर रही है जिनका ये पैसा खाएगी, और एक दिन देखना आप लोग धड़ाम से नीचे आ जाएगी, क्योंकि अभी युद्ध चालू है और इन्फ्लेशन की मार बढ़ी हुई है युद्ध की वजह से। जब तक युद्ध बंद नहीं होगा, इन्फ्लेशन को आप भूल जाइए कि वो कम हो जाएगा, वो तो ज़्यादा ही होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा हमें इन दिनों कैसे काम करना है, कल कैसे काम करना है। मैं आपके लिए एक और एक यूज़फुल वीडियो लेके आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।